हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू द जर्नी ऑफ इकोनॉमिक्स एंड टूडे विल गोइंग टू कवर अप द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑफ़ योर ओलिगोपोली मार्केट इन द प्रीवियस वीडियोज़ हमने ओलिगोपोली मार्केट के नॉन कॉलेजिव कॉलेजिव और बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी कवरअप की हुई हैं हमने देखा है चैप्टर नंबर सिक्स के ओलिगोपोली मार्केट में कौन से कौन से पॉसिबिलिटीज हमने कवरअप किए हुए हैं दोज थिंग ऑलरेडी कवर्ड सो लेट सी वॉट आर दी सर्टन ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन रिलेटेड टू वॉट यूर ऑलिगोपोली मार्केट चलते हैं हम टेक्सट बुक के पीछे का एमसी फटाफट सॉल्व करते हैं देन विल गोइन टू मूव ऑन टू दैक्स्ट चैप्टर सो पेड इंशन एज यू कैन सी विल गोइंट टू स्टार्ट विद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टूडे आज हम चालू करने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अब पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप देखेंगे तो ऑलिगोपोली मार्केट एक मार्केट है जहां पर फ्यू सेलर्स होते हैं जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स नहीं होते लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स नहीं होते सिर्फ एक क्या होता है फ्यू सेलर्स होते हैं और ये फ्यू सेलर्स आपस में क्या करते हैं कंपटीशन करते हैं अगर ये नॉन कॉलेजिव मार्केट है तो आपस में कंपटीशन करेंगे कॉलेजिव मार्केट है तो आपस में आके सब मिलजुल के रहेंगे और कस्टमर से एक प्राइस चार्ज करेंगे और अपने अपने प्रॉफिट क्या करेंगे अर्न करेंगे और बहुत सारे ऐसे पॉसिबिलिटीज ऑलरेडी हमने कवर अप की हुई हैं ऑब्जेक्टिव द फर्स्ट क्वेश्चन इफ यू गोइंग टू सी पहला स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फॉल्स विद द रीजन अब यहां पे हम रीजन्स को भी पढ़ेंगे रीजन्स भी देखेंगे कि कौन से ऐसे रीजन्स है बिकॉज ऑफ विच हमारा जो स्टेटमेंट है या फिर ट्रू है या फिर क्या है हमारा फॉल्स है जरा ध्यान देना द फर्स्ट वन एन एंड फर्म इज फ्री टू टेक इट्स ओन डिसीजन अबाउट द प्राइज एंड द आउटपुट इज इट ट्रू ऑलिगोपोलीफॉर्म इज फ्री टू टेक इट्स ओन डिसीजन अबाउट द प्राइज एंड द आउटपुट नो देखो ऐसा है कि प्राइज और आउटपुट से रिलेटेड डिसीजन जो है यहां पर फ्री हम लोग नहीं है ओलिगोपोलीफर्म क्या है फ्री नहीं है ओलिगोपोली फर्म इज नॉट फ्री इट इज इट इज इंटर डिपेंडेंट ऑन द अदर फॉर्म तो जितने भी अदर फॉर्म्स हैं उनके ऊपर ओलिगोपोलीफर्म क्या है इंटर डिपेंडेंट है किस लिए फॉर द डिसीजन मेकिंग ऑफ अ प्राइस एंड द आउटपुट अगर मुझे अपने गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस डिसाइड करना है तो मुझे सामने वाले कॉम्पिटिटर्स को भी देखना होगा हो सकता है कि सपोज़ फॉर द सेम एग्जाम्पल आई गिव यू मिस्टर ए एंड अदर फर्म्स का अगर मान लो मैं मिस्टर ए हूँ और यहाँ पे अदर फर्म्स हैं जिसमें बी सी डी और बहुत सारे Other आ गए अब मिस्टर एयर ने अपने प्राइस को इंक्रीज़ किया मिस्टर ए ने अपने प्राइस को इंक्रीज किया तो अदर फॉर्म्स अपने प्राइजेस इंक्रीज नहीं करेंगे जिसके वजह से उनका प्रॉफिट क्या होगा बढ़ जाएगा क्यों क्योंकि हमने प्राइस इंक्रीज किया है तो कॉम्पिटिटर्स कंज्यूमर्स क्या करेंगे कंज्यूमर्स अपने गुड्स एंड सर्विसेस परचेज करेंगे कॉम्पिटिटर्स से अगर हमने प्राइजेस को डिक्रीज़ किया हुआ है तो दे विल ऑल्सो तो गो तो डू द तो सेम सो दे विल ऑल्सो गोई टू डू द सेम कि अगर ए एंड अदर फॉर्म्स हैं अगर ए ने प्राइज इंक्रीज किया तो ये प्राइज इंक्रीज नहीं करेंगे अगर ए ने प्राइज डिक्रीज़ किया तो देसो गोई टू डिक्रीज द प्राइज इज सो बेसिकली द डिसजन रिगार्डिंग द प्राइज एंड द आउटपुट इज नॉट फ्री इन केस ऑफ ओलीगोली फॉर्म दैट्स वाई पहला स्टेटमेंट हमारा क्या है फॉल्स है इसके बाद इफ विल गोइ टू कम टू द सेकेंड स्टेटमेंट वॉट द सेकेंड स्टेटमेंट इज सेंग सेकेंड स्टेटमेंट क्या बताता है क्लास An oligopolist does not have a determinate demand curve. A oligopol- an oligopolist does not have a determinate demand curve. Yes, ये क्या है? तुम्हारा true है? क्यों true है? क्योंकि यहाँ पे determinate demand curve नहीं होता, यहाँ पे होता है indeterminate demand curve. यहाँ पे कौन सा curve होता है? Indeterminate demand curve, जो कि होता है आपका कौन सा? जो होता है आपका किंग द डिमांड कर्व याद आ रहा कुछ हमने किंग द डिमांड कर्व पढ़ा था यहाँ पे ओलिगोपोलिफॉर्म में क्या होता है किंग द डिमांड कर्व होता है विच इज इनडिटर्मिनेट दैट इट इज ट्रू सेकेंड कार्टल इज फाउंड बाय द ओलिगोपोलिश टू अवॉइड द प्राइज वॉर यस हम लोग कार्टल क्यों बनाते हैं क्लास कार्टल का मतलब होता है ग्रुप हम ग्रुप में क्यों आते हैं कॉलिजो पॉलिफॉर्म में कॉलेज ओलिगोपोलीफर्म फर्म के केस में हमने क्या करना है हमने ग्रुप बनाना है हमने कार्टल बनानी है क्यों क्योंकि आपस में प्राइस वॉर के कार के कुछ मतलब नहीं है हमने आपस में प्राइस वॉर किया प्राइस वॉर का एडवांटेज किसी और ने ले लिया तो उससे कुछ होने वाला नहीं है और कौन एडवांटेज लेगा कंज्यूमर लेगा तो so बेहतर क्या है आपस में प्राइज वॉर करना आपस में प्राइस को लेकर डिसीजन लेना या फिर आपस में वॉर करना झगड़े करने से कुछ मतलब नहीं है बेटर है कि क्या हम एक कार्टल फॉर्म कर दें सो स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो ट्रू नॉन प्राइज कॉम्पिटिशन इज एबसेंट इन दॉली नो इट इज फॉल्स वाई बिकॉज कॉलेजिव मार्केट हो या आपका नॉन कॉलेजिव मार्केट हो दोनों मार्केट के केसेज में आपके प्राइज कॉम्पिटिशन नॉन प्राइज कॉम्पिटिशन होते हैं कॉलेजिव मार्केट के केस में क्या होगा प्राइज नॉन प्राइज कॉम्पिटिशन होगा और नॉन कॉलेजिव मार्केट के केस में भी नॉन प्राइज कॉम्पिटिशन होगा प्राइज खेल के वॉर इट इज अ डिफरेंट थिंग बट नॉन प्राइज कॉम्पिटिशन ऑन द बेसिस ऑफ अदर फैक्टर्स हमने जब आपस में कंपटीशन करना है तो उसे हम बोलते हैं नॉन प्राइस फैक्टर्स नॉन प्राइस कंपटीशन जो अदर फैक्टर्स है उसको कंसिडर करना है जैसे एडवर्टीज़मेंट हो गया क्वालिटी हो गया मार्केट हो गया फिर सेल्समैन हो गया बायर्स हो गए आफ्टर सेल सर्विसेज बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमने ऑलरेडी पड़ी हुई है जो नॉन प्राइज कॉम्पटिशन में आता है तो ओली ऑलिगोपोली के केस में नॉन प्राइज कॉम्पटिशन इज एबसेंट नो नॉन प्राइज कॉम्पटिशन इज़ प्रेजेंट इन केस ऑफ अलिगोपोली दैट्स ये क्या हो गया आपका फॉल्स देन प्राइज इज वेरी फ्लेक्सीबल इन द दिगोपोली नो प्राइज तुम्हारी फ्लेक्सीबल नहीं होती प्राइस हमने डिसाइड की होती है मोस्टली एक फिक्स प्राइज होता है और यू कैन से यहाँ पे प्राइज क्या होता है प्राइज होता है आपका रिजिड कौन से प्राइज होते हैं रिजिड प्राइज होता है यहाँ पे इन केस ऑफ अ ओलिगोपोली मार्केट ओलिगोपोली फर्म के केस में प्राइस हमारा रिजिट होता है प्राइस हमारा फिक्स होता है ना ही कि फ्लेक्सिबल दैट्स वाई ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया आपका फॉल्स फिर इसके बाद देखेंगे द किंग डिमांड कव हैज़ अ डिसकंटिन्यूस पोर्शन ऑफ अ एम आर किंग डिमांड कव आपका डिसकंटिन्यूस पोर्शन शो करता है किसका एम आर कव का यस इट इज़ ट्रू अगर आपको याद याद होगा अगर आप हाँ सोचोगे तो हमने ऑलरेडी ये सब चीज़ें कवर अप की हुई हैं इक्बरियम ऑफ द फर्म में ऑलरेडी हमने देखा हुआ है कि कैसे किंग द डिमांड कव हैज़ अ डिसकंटिन्यूअस पोर्शन ऑफ द एम आर कव अगर आपको कुछ याद होगा तो हमने एक डायग्राम ड्रॉ किया था इफ़ यू कैन रिकॉल द सेम तो ये क्या है दिस इज़ योर एम आर कर्व एंड दिस पोर्शन रिप्रजेंट्स वॉट दिस पोर्शन रिप्रजेंट्स योर डिसकंटिन्यूस एम आर जहाँ पे आपका डिमांड कव कहाँ है जहाँ पे आपका डिमांड कव आता है दैट इज किंग द डिमांड कव कम्स इन टू एक्जिस्टेंस इन दिस डिसकंटिन्यूस पोर्शन द कार्टल इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ नॉन कॉलिजिव ऑलीगोपोली ऑब्वियसली इट्स फॉल्स बिकॉज कार्टल फॉर्मेशन कहाँ पे होता है क्लास कार्टल फॉर्मेशन आपका होता है कॉलिजिव ओलिगोपोली में जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं हम ग्रुप बनाते हैं ग्रुप को भी क्या बोला जाता है आपका ग्रुप इज ऑल्सो नोन एज वॉट योर कार्टल दिस इज नॉन एज दिस इज अ केस ऑफ वॉट योर ओलिगोपोली मार्केट सो यहाँ पे क्या होगा अगेन इट इज फॉल्स बिकॉज कार्टल आपका एग्जाम्पल है कॉलेज मोनोपोलीका ना ही की नॉन कॉलेज मोनोपोलिका नाउ लेट्स मूव ऑन टू द एम सी क्यू जरा एम सी क्यू से देख लेते हैं क्लास यहाँ पे पहला एम सी क्यू देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओलिगोपोली ओलिगोपोली का कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे कौन सा नहीं है आप देख सकते हैं आपके पास ऑप्शन है ऑप्शन ऑब्वियसली राइट आंसर हमने ऑलरेडी यहाँ पे मार्क किए हुए हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओलिगोपॉली सबसे पहले समझते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओलिगोपॉली होता क्या है जैसे फर्स्ट ऑफ आस फॉर्म्स आर इंटर डिपेंडेंट येस ओलिगोपोली फर्म में ओलिगोपोली मार्केट में एक फर्म दूसरे फॉर्म पे क्या होता है इंटरडिपेंडेंट होता है एक फर्म दूसरे फॉर्म पे इंटर डिटेमिनेट होता है दैट इज नथिंग बट वग्जैक्टली द फीचर फ्यू फॉर्म्स डोमिनेट्स द मार्केट

डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट भी होता है दोनों टाइप के प्रोडक्ट क्या होते हैं यहाँ पे होते हैं होमोजीनियस और डिफ्रेंशिएटेड दैट्स वाई ऑप्शन डी जो है हमारा यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक नहीं है किसका ओलिगोपॉली का नेक्स्ट वन इफ यू गोइंग टू सी नेक्स्ट क्या बोल रहा है इन डैश ऑलिगोपॉली द कमोडिटीज आर सोल्ड आर होमोजीनियस नव कमोडिटीज जो हम सेल करते हैं वो क्या होते हैं होमोजीनियस होते हैं वो किस टाइप के ओलिगोपोली मार्केट में तो उसका आंसर है आपका प्योर ओलिगोपोली मार्केट प्योर ओलिगोपोली मार्केट के केस में क्या होता है होमोजीनियस गुड्स होते हैं फिर आता है आपका इनप्योर जिसमें डिफरेंशियेटेड होते हैं फिर आता है मिक्स्ड जिसमें होमोजीनियस और डिफरेंशिएटेड दोनों होते हैं एंड देन देर इज अ स्टैंडर्ड ओलिगोपोली मार्केट नेक्स्ट वन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर इन इंडिया इज कैरेक्टराइज बाय द ओलिगोपोली मार्केट ना ओलिगोपॉली मार्केट आपको कहाँ पे देखने मिलेगा कौन से मार्केट में रियलिटी में ओलिगोपॉली मार्केट हमारा एग्जिस्ट करता है इंडिया में और लेकिन ये जो एग्जिस्टेंस है इसका ये कहाँ पे है कौन से सेक्टर में है कौन से इंडस्ट्री में है तो देखो सबसे पहला दिया हुआ है एग्रीकल्चर कमोडिटी अगर आपको थोड़ा बहुत याद होगा तो हमने परफेक्ट कॉम्पिटिशन में क्लास किया हुआ है हमने क्या किया है परफेक्ट कॉम्पिटिशन में किया हुआ है दैट इज परफेक्ट कंपटीशन में किया हुआ है किसके बारे में एग्रीकल्चर कमोडिटी के बारे में सो एग्रीकल्चर कमोडिटी आपका एग्जाम्पल है परफेक्ट कंपटीशन का रिटेल आपका एग्जाम्पल है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का हॉस्पिटैलिटी इज अगेन द एग्जाम्पल ऑफ वॉट एग्जैक्टली योर मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन एंड फाइनली द ऑटोमोबाइल्स आपके एग्जाम्पल हैं ओलिगोपोली मार्केट में जहां पर मार्केटर विच ऑफ द्रू अबाउट दोली ना ओलिगोपोली के बारे में कौन से स्टेटमेंट सही है यहाँ पे तो जरा ध्यान देना एंट्री ऑफ अ न्यू फॉर्म इज पॉसिबल एंड इजी इज इट ट्रू नहीं क्योंकि ओलिगोपोली फॉर्म में क्या होता है इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू टेक द एग्ज़िट एंड एंट्री ओवर हियर ऑब्वियसली एग्जिट यू कैन टेक बट व्हेन वी टॉक अबाउट द एंट्री इनटू द न्यू एंट्री ऑफ द न्यू फॉर्म इनटू द ओलिगोपोली मार्केट तो ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है तो ये ट्रू नहीं है एंट्री ऑफ द न्यू फॉर्म पॉसिबल बट डिफिकल्ट यस यहाँ पे पॉसिबल है लेकिन एंट्री काफ़ी डिफिकल्ट होती है एंट्री ऑफ द न्यू फॉर्म इज़ नॉट पॉसिबल नहीं ओलिगोपोली फॉर्म में न्यू फॉर्म एंटर तो कर सकता है लेकिन जो एग्जिस्टिंग फॉर्म होंगे वहाँ पे वो क्या करेंगे जो एग्जिस्टिंग फॉर्म है वो वहाँ पे दे विल गोइंग टू क्रिएट अ बैरियर वो थोड़े रुकावटें पैदा करेंगे कि जो नई फॉर्म मार्केट में आ रही है उसे हमें मार्केट में एंटर करने नहीं देना है तो वो क्या होता है आपका ओलिगोपोली मार्केट में न्यू फॉर्म की एंट्री और द फर्म्स आर नॉट अलाउड टू एग्जिट द मार्केट नहीं ऐसा नहीं है कि कोई फर्म मार्केट छोड़ के चले जा रहा है तो हम उसे रोकेंगे नहीं उल्टा मार्केट के लिए बहुत अच्छी बात है ओलिगोपोली फर्म में अगर एक फर्म अपने बिजनेस बंद करके चले जा रहा है तो वो दूसरे फर्म्स के लिए दूसरे सेलर्स के लिए बहुत अच्छी बात होती है क्योंकि उतना कॉम्पिटिशन कम होगा उतना प्रॉफिट अर्न करने के चांसेस बढ़ जाते हैं तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन का भी और कुछ लिमिटेशन नहीं है फोर्थ ऑप्शन भी यहाँ पर कुछ वैलिड नहीं है तो हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वही करेक्ट है देन आफ्टर द द फिफ्थ वन ऑफ अ दिन इन द इज द रिजल्ट ऑफ वॉट जब बात करते हैं हम इंटर डिपेंडेंस की इंटर डिपेंडेंस ऑफ फर्म का मतलब होता है एक फर्म दूसरे फॉर्म पे क्या कर रहा है डिपेंडेंट है जब एक फर्म दूसरे फॉर्म पे डिपेंडेंट है तो देखते हैं यहां पे ओलिगोपोली फॉर्म मार्केट में क्या रिजल्ट होता है सबसे पहला एग्जिस्टेंस ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ़ द फर्म्स नहीं सबसे पहली बात लार्ज नंबर ऑफ़ फर्म्स यहाँ पे नहीं होते गवर्नमेंट रेगुलेशन गवर्नमेंट रेगुलेशन भी बहुत ज़्यादा बहुत लिमिटेड होते हैं क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन होता है और जहाँ पे कंपटीशन होता है वहाँ पे गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगा जहाँ पे कंपटीशन नहीं है वहाँ पे गवर्नमेंट क्या करेगा इंटरफेरेंस करेगा एग्जिस्टेंस ऑफ अ फ्यू फॉर्म यस यहाँ पे क्या होता है ओलीगोपोली फॉर्म मार्केट में ओनली फ्यू फॉर्म्स आर देयर जो जिनका एग्जिस्टेंस होता है और इजी ऑफ इजी एंट्री ऑफ अ न्यू फॉर्म ऑलरेडी हम लोग ने फोर्थ ऑब्जेक्टिव में देखा कि न्यू फॉर्म का एंट्री यहाँ पे इजी नहीं होता इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। ये क्या होता है डिफिकल्ट हो जाता है किसका एंट्री ऑफ द न्यू फॉर्म के लिए देन आफ्टर कम टू दिक्सथ वन जरा सिक्स वन पे जाना इंटर डिपेंडेंस ऑफ अ फॉर्म इन द ऑलिगोपोलि मार्केट रिजल्ट इन वॉट इंटरडिपेंडेंस का मतलब होता है एक फर्म दूसरे फर्म पे क्या है डिपेंडेंट है प्राइस के लिए और आउटपुट के लिए तो इंटरडिपेंडेंस ऑफ अ न्यू फर्म इन द ओलिगोपोली रिजल्ट्स इन द अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग द रिएक्शन ऑफ अराइवल फॉर्म्स अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग द रिएक्शंस ऑफ अ राइवल फॉर्म्स होता है कि जो अदर कॉम्पिटिटर्स हैं वो कैसे रिएक्ट करेंगे कैसे मार्केट में अपने गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करने के लिए कौन सी स्ट्रैटेजी यूज करेंगे कैसे एडवर्टीजमेंट करेंगे प्राइस कम करेंगे या डिस्काउंट देंगे क्या करेंगे उसके ऊपर हमारा क्या होता है एक्टिविटी डिपेंड करता है कहाँ पे ओलिगोपोली मार्केट में तो अनसर्टनिटी रिगार्डिंग द रिएक्शन ऑफ द राइवल फर्म इज़ देयर बिकॉज यहाँ पे क्या है इंटरडिपेंडेंस है फर्म्स का सेकेंड सर्टेनिटी रिगार्डिंग द रिएक्शन ऑफ द राइवल फर्म्स नहीं हमको कुछ पता नहीं है कि आगे जाके राइवल फॉर्म्स कॉम्पिटिटर्स क्या करने वाले हैं और जब कॉम्पिटिटर्स कोई एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे या वो प्राइस चेंज करेंगे तब जाके हम अपने प्राइजेस को क्या करेंगे हाथ लगाएंगे तब जाके हमने प्राइस अपने चेंज करने हैं डिटर्मिनेंट डिमांड का नहीं ये भी नहीं होता यहाँ पर और प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी ये भी नहीं होती यहाँ पे डिटर्मिनेट डिमांड का नहीं होता है क्लास यहाँ पे होता है इनडिटर्मिनेट डिमांड कब ओलिगोपोलीफॉर्म के केस में और प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है यहाँ पे होता है आपका प्राइस रिजिडिटी रिजिडिटी मतलब प्राइस क्या होता है फिक्स होता है ना ही आप कम कर सकते हैं ना ही आप ज़्यादा कर सकते हैं आपको एक पर्टिकुलर प्राइस को मार्केट में चार्ज करना ही पड़ेगा जब तक कि अदर कॉम्पिटिटर्स अपने प्राइजेस को क्या कर दे चेंज ना कर दे दैट इज नथिंग बट वॉट इंटरडिपेंडेंस ऑफ द फर्म्स इन द दलिगोपॉली विच रिजल्ट इन द अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग द रिएक्शन ऑफ द राइवल फर्म्स नेक्स्ट वन द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज नथिंग बट वॉट द डिमांड क फेस्ड बाय द फर्म इन द ऑलिगोपोलिस्टिक मार्केट द डिमांड कॉ फेस फर्म इन एन ऑलिगोपोलिस्ट मार्केट इज वॉट डाउनवर्ड स्लोपिंग हॉरिजॉन्टल इंटरटेटेनमेंट्स और वर्टिकल देखो सबसे पहली बात डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड को यहाँ पे नहीं होता डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड को आपका कहाँ पे होता है ये होता है आपका मोनोपोली के केस में हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल डिमांड का होता है आपका कहाँ पे ये होता है आपका परफेक्ट कॉम्पिटिशन में वर्टिकल डिमांड को कहीं नहीं होता और यहाँ पे होता है इंटरटेटेनमेंट डिमांड को जिसे हम किंग द डिमांड को भी बोलते हैं दिस इज योर वाई ये होता है आपका क्या किंग डे डिमांड को सो नेक्स्ट वन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्म ऑफ अ नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन अब जरा ध्यान देना विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉर्म ऑफ नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन देखो एक होता है प्राइस कॉम्पिटिशन और एक होता है बच्चों नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन प्राइस कॉम्पिटिशन का मतलब क्या होता है बच्चों प्राइस कॉम्पिटिशन का मतलब होता है कि जब हम प्राइस के बेसिस पे प्राइस को लेके आपस में कंपटीशन कर रहे हैं कि मैं दस रुपया चार्ज कराऊँ आप आठ रुपया चार्ज कर रहे हो फिर मैं आठ रुपये पर आऊँगा फिर आप छः रुपया करोगे फिर मैं छः रुपये पर आऊँगा तो मैं यहाँ पे क्या हो रहा है हमारे बीच में कंपटीशन हो रहा है किसको लेके प्राइस को लेके दैट इज़ नथिंग बट द प्राइस कॉम्पटिशन और एक होता है नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन जो अदर देन प्राइस जो भी फैक्टर्स होते हैं उन्हें हम क्या करते हैं यहाँ पर कंसिडर करते हैं जैसे पहला हो गया आपका क्या एडवर्टीजमेंट एडवर्टीज़मेंट क्या है एडवर्टीजमेंट भी एक फॉर्म ऑफ नॉन प्राइस कंपटीशन है कि आपने ज़्यादा एडवर्टीज़मेंट करना है मुझे कम एडवर्टीज़मेंट करना है तो उससे होगा क्या आपने ज़्यादा एडवर्टीज़मेंट किया है तो कस्टमर्स ज़्यादा आपके पास आएंगे कस्टमर्स आपसे गुड्स एंड सर्विसेज परचेज़ करेंगे मुझसे कस्टमर्स बहुत कम गुड्स एंड सर्विसेज़ परचेज़ करेंगे क्योंकि मैंने उतना प्रमोशन मैंने अपना एडवर्टीज़मेंट नहीं किया हुआ है तो एडवर्टीजमेंट भी क्या है एक नॉन प्राइस कॉम्पिटिटिव फैक्टर है जिसके ऊपर हम कॉम्पिटिशन कर सकते हैं सर्विस क्वालिटी जो आफ्टर सेल सर्विसेज आप अगर देखोगे तो आफ़्टर सेल सर्विसेज अगर तुम कस्टमर्स को प्रोवाइड कर रहे हो तो इन केस आपके प्रोडक्ट में कुछ इन फ्यूचर डिफेक्ट निकलता है स्पेसिफिकली इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के केस में क्या होता है हमने क्या करना है हमें आफ्टर सेल सर्विसेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है अगर कोई सेल फोन अगर परचेज़ रहे हो लैपटॉप परचेज रहे हो या और भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स अगर तुम परचेज करते हो वो केस में अगर आपके प्रोडक्ट में कोई भी डिफेक्ट आता है आफ्टर यू विल गोइंग टू परचेज द सेम फ्रॉम द मार्केट और फ्रॉम द शॉप तब आप आफ्टर सेल सर्विसेज अगर आपके कंपनी के अवेलेबल हैं जिसके आपने गुड्स परचेज़ किए हैं इजीली आप क्या कर सकते हो उसका फ़ायदा उठा सकते हो बट सर्विस क्वालिटी अगर नहीं है आफ्टर सेल सर्विसेज नहीं है तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो थोड़ा आपको दिक्कत देखनी पड़ेगी थोड़ी परेशानी उठानी पड़ेगी और आपको उसके बेनिफिट्स नहीं मिल पाएँ शायद फिर नेक्स्ट होता है प्रोडक्ट क्वालिटी प्रोडक्ट क्वालिटी भी क्या होता है एक कंपटीशन करने के लिए एक परफेक्ट फैक्टर होता है कि हमारे गुड्स का कंपटीशन में हमारे गुड्स की क्वालिटी है आपके गुड्स की क्वालिटी नहीं है उसके बेसिस में हम क्या कर रहे हैं अपने बीच में कॉम्पिटिशन चालू है तो ज़रा ध्यान देना एडवर्टीजमेंट सर्विस क्वालिटी प्रोडक्ट क्वालिटी ये तीनों ही तीनों आपके क्या है नॉन प्राइस कॉम्पिटिटिव फॉर्म है एंड दैट्स वाई वॉट इज द आंसर द आंसर इज डी जो कि क्या है आपका ऑल ऑफ द अबव आंसर डी क्या है आपका ऑल ऑफ द अबाव जो कि आंसर है आपका ये ऑब्जेक्टिव का नेक्स्ट वन डैश ऑलिगोपॉली कम्स इनटू द एग्जिस्टेंस व्हेन द फर्म वर्क टूगेदर टू रिड्यूस द अनसर्टेनिटी इनटू द मार्केट हमें मार्केट से अनसर्टेनिटी क्या करना है कम करना है किसमें ऑलिगोपोली फर्म के केस में एग्जिस्टेंस व्हेन द न्यू फर्म वर्क टूगेदर अगर फर्म्स वॉन्टेड टू वर्क टुगेदर सब के सब बिजनेस कंसर्न है जितने भी सेलर्स हैं सब एक साथ काम करना चाहते हैं सबको एक साथ काम करना है इन ऑर्डर टू रिड्यूस द अनसर्टनिटी इन द मार्केट जो अनसर्टनिटी है जो रिस्क है उसे हमके कम करना है और हमें कम करने के लिए हमें साथ में काम करना है इसका मतलब होता है हम यहाँ पे क्या बनाने वाले हैं कार्टल हम क्या करने वाले हैं हम ग्रुप बना के काम करेंगे तो इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब नॉन कॉलेजिव होता है नहीं इसका मतलब नॉन कॉम्पिटिटिव होता है नहीं इसका मतलब प्योर होता है नहीं इसका मतलब होता है आप कॉलेजि ओलिगोपॉली मार्केट में एंटर करना चाहते हैं कॉलेजिव ओलीगोपोली मार्केट वो मार्केट होता है जहाँ पे सब फर्म्स एक साथ आते हैं और एक प्राइस डिसाइड करते हैं और वो प्राइस पे अपने अपने गुड्स एंड सर्विस मार्केट में सेल करते हैं दैट इज़ नथिंग बट वट कॉलेजिव मार्केट इज़ इसके बाद टेंथ वन डैश टेक प्लेस वैन ऑल द फॉर्म्स इन दॉलेजी ओलिगोपॉली ट्राई एंड कंट्रोल द सप्लाय डैश टेक प्लेस वैन ऑल द फॉर्म्स इन द कॉलेज ओलिगोपॉली ट्राई एंड कंट्रोल द सप्लाय तो उसे बोला जाता है प्राइस फिक्सिंग जब सभी के सभी फॉर्म कॉलेजी ओलिगोपॉली मार्केट में ट्राई करते हैं और कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं सप्लाई को तो उसे बोला जाता है प्राइस फिक्सिंग क्यों क्योंकि यहाँ पे ये प्राइस को क्या करते हैं कंट्रोल कैसे प्राइस को कंट्रोल करेंगे प्राइस को कंट्रोल कुछ इस तरह से किया जाता है कि सभी फर्म मिलके एक प्राइस डिसाइड करेंगे और वो प्राइस पे ही अपने गुड्स एंड सर्विसेज उनको बेचने हैं तो ये जो प्राइस होता है ये प्राइस फिक्स होता है एक फ़िक्स प्राइस क्या होता है मार्केट में चार्ज होता है एक फ़िक्स प्राइस मार्केट में चार्ज होता है इसलिए आपका आंसर क्या है यहाँ पे प्राइस फिक्सिंग एक प्राइस हम लोग सब मिलके एक प्राइस फिक्स करते हैं और वो प्राइस पे अपने माल अपने गुड्स एंड सर्विसेज सेल करते हैं दैट इज़ नथिंग बट द प्राइस फिक्सिंग तो प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे होती नहीं है प्राइस कंट्रोल कंट्रोल तो आप नहीं बोल सकते लेकिन फिर भी प्राइस कंट्रोल एक सिमिलर आपका आंसर है यहाँ पर बट यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है आपका प्राइस फिक्सिंग है प्राइस रिडक्शन यहाँ पर प्राइस कोई रिड्यूस नहीं करता प्राइस फिक्सिंग इन ऑलिगोपोली मार्केट टेक्स प्लेस वैन नाउ प्राइस फिक्सिंग कब टेक प्लेस करता है वेन द प्राइस फिक्सिंग इन द ओलिगोपोली मार्केट टेक प्लेस नेक्स्ट वन देखते हैं अर्ज अ फ्यू लार्ज फर्म्स डोमिनेट द डिमांड इज इन इलास्टिक मार्केट डिमांड डज नॉट फ्लक्चुएट सेकेंड नो फर्म डोमिनेट्स द मार्केट डिमांड इज इलास्टिक मार्केट डिमांड इज फ्लक्चुएट्स अ फ्यू फॉर्म डोमिनेट्स डिमांड इज इलास्टिक मार्केट डिमांड फ्लक्चुएट और द नो फॉर्म डोमिनेट्स द मार्केट डिमांड इज इन इलास्टिक मार्केट इज फ्लक्चुएट अब जरा समझने की कोशिश करते हैं ये एग्जैक्टली exactly है क्या इनफैक्ट मुझे नहीं लगता है कुछ समझ में आया होगा आपके चलो समझने की कोशिश करते हैं क्या है एग्जैक्टली exactly ये तो ये क्वेश्चन प्राइस फिक्सिंग इन एन ऑलीगोपॉली टेक प्लेस व्हेन प्राइस फिक्सिंग कब आता है प्राइस फिक्सिंग तब आता है जब हम कॉलेज मार्केट में एंटर करते हैं कॉलेज्यू मार्केट में कुछ ऐसा होता है कि देर आर द फ्यू सेलर्स सबसे पहले कितने सेलर्स होते, है? होते हैं फ्यू सेलर्स होते, है? होते हैं डिमांड इज इन इलास्टिक इन इलास्टिक मतलब सबके डिमांड क्या होते हैं फिक्स होते हैं एंड मार्केट डिमांड डज नॉट फ्लक्चुएट मार्केट डिमांड आपका फ्लक्चुएट नहीं होता इसका मतलब मार्केट डिमांड आपका फिक्स होता है आपके प्राइजेस क्या होते हैं फिक्स होते हैं आपके क्वांटिटी डिमांड क्या होते हैं फिक्स होता है किसमें कॉलेज यू मार्केट में उसे बोला जाता है प्राइस फिक्सिंग द नेक्स्ट वन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ अ कॉलेज ओलिगोपॉली नाउ यहां पे कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है आपको क्लास आपको सबको पता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ अलेज ओलिगोपोली फॉर्म डू नॉट कारपोरेट विथ अदर यस फर्म यहाँ पे कॉरपोरेट नहीं करता ये कहाँ पे कॉरपोरेट नहीं करता ये आपका नॉन कॉलेज फर्म में अगर नॉन कॉलेज मार्केट है तो वहाँ पे फर्म आपके एक दूसरे से कॉरपोरेट नहीं करते लेकिन हम बात कर रहे हैं किसकी कॉलेजिव ओलिगोपोली मार्केट की तो कॉलेजि ओलिगोपोली मार्केट में क्या होता है फर्म्स आपस में कॉरपोरेट करते हैं प्राइस कॉम्पिटिशन टेक प्लेस नहीं प्राइस कॉम्पिटिशन यहाँ पे टेक प्लेस नहीं करता

एंड बेनिफिशियल टू द बाये तीनों जो है आपके आते हैं कहाँ पर नॉन कॉलिजिव मार्केट में द नेक्स्ट वन इफ यू गोइ टू सी विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज द फ्यूचर ऑफ अ नॉन कोलिजिव ओलिगोपोली जैसा मैंने अभी बताया आपको कि इसके पहले वाले जो ऑब्जेक्टिव थे उसमें ऑलरेडी हम लोग ने देखा हुआ है अब भी अभी जस्ट पड़ा है हार्डली दस से बीस सेकेंड हुए होंगे उससे ज़्यादा नहीं हुआ होगा विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज द फ्यूचर ऑफ अ नॉन कोलिजिव ओलिगोपोली फॉर्म कॉरपोरेट भी टी चे द ये आपका फीचर नहीं है बेनिफिशियल फॉर द सेलर यह भी आपका फीचर नहीं है मे टेक अ फॉर्म ऑफ अ कार्टल नहीं कार्टल फॉर्मेशन कहाँ पे होता है कॉलेजिव मार्केट में तो फाइनली आपका आंसर क्या है प्राइस वॉर इज पॉसिबल नॉन क्वालिजिव फॉर्म में प्राइस को लेके बहुत सारे वॉर होते हैं प्राइस को लेके बहुत सारे कॉम्पिटिशन होता है इसीलिए नॉन कॉलेजिव ऑलिगोपोली मार्केट में आपका प्राइस कॉम्पिटिशन वहाँ पर होता है अकॉर्डिंग टू द किंग द डिमांड मॉडल A firm will assume that the rival firm will, according to the king demand curve, the firm will assume that the rival firm rival firm, kya keep their production constant, keep their prices constant, match price cuts but not the price increases, matches the price increases but not cuts the prices. अब यहाँ पे अगर किंग द डिमांड कव है तो वहाँ पे सबसे पहली बात अनसर्टनिटी होगी किंग डिमांड कव के केस में क्या होता है अनसर्टनिटी होती है इन होते हैं और इनकन्सिस्टेंसी होती है तो यहाँ पे कीपिंग द प्रोडक्शन कांस्टेंट ये सवाल ही नहीं होता कीप्स द प्राइज कांस्टेंट नहीं ये भी नहीं होगा क्योंकि किंग द डिमांड कव है और किंग द डिमांड कव में ऐसा कुछ होता नहीं है नेक्स्ट वन मैच द प्राइज कट बट नॉट अ प्राइज इंक्रीजेज यहाँ पर कोई प्राइज इंक्रीज नहीं करेगा सब क्या करेंगे आपस में राइवल फर्म्स जितना भी प्राइस चार्ज कर रहे हैं वो प्राइस के अकॉर्डिंगली नियर बाई हम अपने प्राइजेस को क्या करेंगे फिक्स करेंगे ना ही राइवल से ज्यादा चार्ज करेंगे ना ही राइवल से कम चार्ज करेंगे अकॉर्डिंगली जितना अगर राइवल चार्ज कर रहा है राइवल फर्म्स उतने ही प्राइजेस हमें भी क्या करने हैं चार्ज करने हैं दैट इज नथिंग बट वॉट अकॉर्डिंग टू द किंग डिमांड कव राइवल फर्म्स विल गोइंग टू डू दिस एक्टिविटी द कॉन्सेप्ट ऑफ अ अंग डिमांड कव इज एसोसिएटेड विद वॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ अंग डिमांड कव इज एशोशियेटेड विद द पॉल स्विजी पॉल स्विजी ने क्या किया था किंग द डिमांड का कॉन्सेप्ट लाया हुआ था यहाँ पे स्टैकलबर्ग अगर देखोगे आप एडवर्ड एंड चैम्बलिन देखोगे और अगस्टिन कोर्नाट मॉडल ये सब आपके क्या हैं ये सब कुछ मॉडल्स हैं जो हमें यहाँ पे नहीं पढ़ने हैं ये मॉडल्स जो हैं आपके रिलेटेड हैं किससे ओलीगोपोलीफॉर्म से ही लेकिन ये ओलीगोपोलीफॉर्म ये किंग द डिमांड का कॉन्सेप्ट लाया था पॉल स्विज़ी ने और ऑगस्टिन कॉर्नेट प्रोफेसर चैम्बरलिन एंड स्टैकलबर्ग इन्होंने अलग अलग थेरी दी है इकोनॉमिक्स में जो कि आपके किंग डे डिमांड कव से रिलेटेड नहीं है सो so, यहाँ पे आंसर क्या है आपका पॉल विजी द किंग डिमांड कव इज अ नॉन इन अ नॉन कॉलिजिव ओलिगोपोली मार्केट इज अ रिजल्ट ऑफ वॉट किंग द डिमांड कव क्यों होता है प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी से नहीं सेम प्राइस फॉर ऑल द लेवल ऑफ आउटपुट उड नहीं प्राइस रेगुलेशन बाय द गवर्नमेंट सवाल ही पैदा नहीं होता है यहाँ पे क्योंकि प्राइस रेगुलेशन गवर्नमेंट ओलिगोपोली मार्केट में नहीं करती क्यों क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है तो गवर्नमेंट को इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है गवर्नमेंट कहाँ पे इंटरफेयर करेगी गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी वो मार्केट में क्लास जहाँ पे मोनोपोली होगी जहाँ पे टू और थ्री सेलर्स ही होंगे जो पूरा मार्केट को क्या करना चाहते हैं कैप्चर करना चाहते हैं और अपने रूल्स एंड रेगुलेशनस अपने हिसाब से पूरा मार्केट को चलाना चाहते हैं तो उनके लिए गवर्नमेंट क्या करेगी रूल्स के हिसाब से आएगी तो यहाँ पे गवर्नमेंट रेगुलेशन का कोई सवाल नहीं है यहाँ पे सिर्फ केस यहाँ पे है कि किंग डि डिमांड के केस में आपका प्राइस क्या होता है फिक्स होता है जिसको बोला जाता है रिजिड होता है कि एक फर्म अपने प्राइजेस को क्या नहीं कर सकता चेंज नहीं कर सकता वाई बिकॉज इट इज़ फिक्स्ड इन नेचर द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ़ द कार्टर फॉर्मेशन इज़ वॉट हम लोग कार्टर फॉर्मेशन क्यों करते हैं कॉलेजियो मार्केट में क्यों जाते हैं वाई वी आर गोइंग टू द कॉलेजियो यू द सिंपल रीजन है कि टू अवॉइड द प्राइस वॉर एक फर्म दूसरे फर्म से क्या करता है प्राइस को लेके कंपटीशन करते हैं तो जो आपस में हमने कंपटीशन कर रहे हैं प्राइस को लेके उन्हें हमें क्या करना है यहाँ से हटाना है उन्हें हमें क्या करना है कम करना है उसे निकाल देना है तो वो प्राइस को रिलेट लेकर हम आपस में जो कंपटीशन करते हैं उसे अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कॉलेज मार्केट में आना पड़ेगा सो दैट इज नथिंग बट द कार्टल फॉर्मेशन करना पड़ेगा बाकी टू कैरी आउट द प्राइस कॉम्पिटिशन यहाँ पे ऐसा नहीं होता गवर्नमेंट रेगुलेशन की बात ही नहीं है यहाँ पे और इट बेनिफिट्स टू द बायर नहीं ये बेनिफिट नहीं करता बायर को बायर को कौन से ओलिगोपोली मार्केट बेनिफिट करता है वो होता है आपका नॉन कॉलिजिव वाला नेक्स्ट वन द गवर्नमेंट डिस्करेजेस एंड द प्रिवेंट्स द कार्डल फॉर्मेशन बाय द फर्म इन ऑर्डर टू अब गवर्नमेंट कब इंटरफेयर करेगा जब हमने सबको को सब मिल के एक कार्टल फॉर्म करेंगे और ये कार्टल फॉर्म करने के बाद एक फिक्स प्राइस कस्टमर से चार्ज करेंगे जो हो सकता है कस्टमर्स के लिए कन्वीनियंट ना हो जो कस्टमर्स के लिए बेनिफिशियल ना हो तो वहाँ पे गवर्नमेंट विल गोइंग टू एंटरफेयर इनटू द मैटर ऑफ ओलिगोपॉली तो, तो, तो वहाँ पे गवर्नमेंट क्या करेगा टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द सेलर गवर्नमेंट विल गोइंग टू टेक द एक्शन नो प्रिवेंट ऑफ़ प्रिवेंशन ऑफ अ कार्टल फॉर्मेशन क्यों होगा सेलर्स का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं रेवेन्यू ऑन करने के लिए नहीं एक्सपोर्ट प्रमोट करने के लिए नहीं फॉर द प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द बायर। नाउ कंज्यूमर के बेनिफिट के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी एंटरफेयर करेगी कहां पे ऑलिगोपोली मार्केट में दैट इज नथिंग बट द देन आफ्टर नाइनटीन वन इन डैश कार्टल ईच मेंबर गेट्स द एक्सक्लूसिव राइट टू ऑपरेट इन अ पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया चाहिए आपको याद होगा हमने ऑलरेडी ये कवर अप किया हुआ है दिसट्रलाइज कार्टल सेंट्रलाइज कार्टल कॉम्पिटेटिव कार्टल एंड स्टैंडर्ड कार्टल तो यहाँ पे जो सेंट्रलाइज्ड कार्टल होता है वहाँ पे मेंबर्स क्या करते हैं मेम्बर्स गेट्स द एक्सक्लूसिव राइट टू ऑपरेट इन अ पर्टिकुलर जोग्रफिकल एरिया कि सपोज अगर चार मार्केट है दिल्ली मुंबई कोलकाता एंड चेन्नई सो आपस में हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे कि एक फर्म दिल्ली मार्केट संभालेगा एक फॉर्म कोलकाता एक फॉर्म चेन्नई और एक फॉर्म मुंबई तो हमने क्या किया आपस में जोग्राफिकल एरिया वाइज हमने मार्केट को डिवाइड कर लिया दैट इज़ नोन एज बॉट योर सेंट्रलाइज कार्टल नेक्स्ट वन इन अ लूज टाइप ऑफ कार्टल्स द शेयरिंग ऑफ अ आउटपुट एंड प्रॉफिट टेक प्लेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग मैथड जब बात करते हैं हम लूज टाइप ऑफ अ कार्टल की तो वहाँ पे शेयरिंग ऑफ अ आउटपुट एंड अ प्रॉफिट टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ वॉट विद द हेल्प ऑफ नॉन प्राइस कंपटीशन एंड कोटा सबसे पहली बात हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कार्टल्स की कार्टल्स का मतलब क्या होता है ग्रुप बनाना ग्रुप बनाएंगे मतलब प्राइस वॉर तो नहीं होगा सबसे पहली बात जब हम आपस में ग्रुप में आ रहे हैं तो प्राइस वॉर वहां होने का क्वेश्चन ही नहीं होता तो यहाँ पे सबसे पहली बात प्राइस कॉम्पिटिशन नहीं आएगा क्योंकि कार्टल में कभी प्राइस कॉम्पिटिशन होता नहीं है सेकेंड मार्केट कंपटीशन मार्केट कंपटीशन भी यहाँ पे होता नहीं है सब ने अपने अपने आउटपुट ऑलरेडी डिसाइडेड किए हुए हैं गवर्नमेंट रेगुलेशन गवर्नमेंट रेगुलेशन भी आता है लेकिन मोस्टली यहाँ पे नहीं आएगा अब बचा क्या तुम्हारा नॉन नॉन प्राइस कंपटीशन एंड द कोटास जो आपके एक कार्टल में होता है नेक्स्ट वन विच लॉ इन इंडिया स्पेसिफिकली प्रिवेंट्स द फॉर्मेशन ऑफ द कार्टल तो फॉर्मेशन ऑफ अ कार्टल को प्रिवेंट करने के लिए एक लॉ है जो गवर्नमेंट ने लेके आया है विच इज़ नथिंग बट द कॉम्पिटिशन एक्ट 2003 कंपनीज एक्ट ये आपका इट इज़ नॉट रिलेवेंट टू अस इंडियन बैक्रम्स इन्वॉल्व इंसॉल्वेंसी कोड ये भी हमारे लिए नहीं है और पेटेंट एक्ट नाइनटीन ये जो है ये आपके मोनोपोली को बढ़ावा देता है तो बचा क्या आपका कॉम्पिटिशन एक्ट जो कार्टल फॉर्मेशन को क्या करता है प्रिवेंट करता है देन आफ्टर द नेक्स्ट वन अंडर द डोमिनेट फर्म प्राइज लीडरशिप मॉडल क्लास हम बात कर रहे हैं डोमिनेंट फर्म प्राइज लीडरशिप मॉडल जहाँ पे एक फर्म प्राइज लीडर एक फर्म जो डोमिनेटेड फंड में जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन ज़्यादा है जिसका सेलिंग ज्यादा है वो क्या करेगा कम्पीट uh, करेगा कैसे द फर्म प्रोड्यूसिंग द लार्ज प्रपोर्शन ऑफ टोटल मार्केट सप्लाई डिसाइड द मार्केट प्राइजेज ऑब्वियसली डोमिनेंट फर्म में क्या होगा वो फर्म जिसका टोटल मार्केट सप्लाई ज्यादा है वो डिसाइड करेगा क्या प्राइजेस को तो उसे बोला जाता है आपके डोमिनेंट फॉर्म डोमिनेंट फॉर्म का मतलब है वो फॉर्म जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन या सेलिंग ज़्यादा है और वो मार्केट क्या करेगा पूरा का पूरा प्राइजेस डिसाइड करेगा किसके मार्केट के एंड द नेक्स्ट वन अंडर द बैरोमेट्रिक प्राइज लीडरशिप मॉडल अभी बैरोमेट्रिक प्राइज लीडरशिप मॉडल क्या होता है तो बैरोमेट्रिक प्राइज लीडरशिप मॉडल फर्म प्रोड्यूस अ लार्ज पोर्शन ऑफ अ टोटल मार्केट सप्लाई नहीं ये है आपका डोमिनेट मार्केट लीडरशिप का द लो कॉस्ट फर्म डिसाइड्स द मार्केट प्राइजेस नहीं ये है आपका कहाँ पे ये होता है आपका कॉस्ट रिलेटेड लीडरशिप में देन अ फर्म विथ अग्रेसिव प्राइस स्ट्रेटी इसे बोला जाता है अग्रेसिव लीडरशिप और नेक्स्ट वन है अ रिस्पेक्टेड एंड एक्सपीरियंसड फर्म डिसाइड्स द मार्केट प्राइजेस ये होता है आपका क्या बैरोमेट्रिक प्राइस मॉडल जहाँ पे एक रिस्पेक्टेड और एक एक्सपीरियंस्ड फर्म डिसाइड करता है कि मार्केट में कौन से प्राइस चार्ज करने चाहिए जिससे प्रोड्यूसर या फिर कंज्यूमर दोनों को क्या हो थोड़ा थोड़ा बेनिफिट हो दैट इज नथिंग बट द बैरोमेट्रिक प्राइस लीडरशिप इज देन आफ्टर विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ द प्राइज लीडरशिप अब प्राइज लीडरशिप का एडवांटेज क्या है तो अगर जब प्राइज लीडरशिप की बात करें तो ये आता है आपके मोस्टली कार्टल फॉर्मेशन में और कार्टर फॉर्मेशन में होता क्या है आपको पता है हम प्राइजेस को क्या करते हैं अवॉइड करते हैं वी आर अवॉइडिंग द प्राइजेस प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है इट इज़ पॉसिबल इफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लीडरशिप नहीं डज नॉट अफेक्ट द सेलिंग कॉस्ट नहीं वॉट इज द आंसर आंसर इज योर इट अवॉइड द प्राइज वॉर अब ज़रा ध्यान देना अब यहाँ पे हमें क्या करना है एम सी क्यू एम सी क्यू खेलना है तो यहाँ पे ज़रा ध्यान देंगे इन द ओलिगोपोली फॉर्म इन द ओलिगोपोली द प्रोडक्ट्स आर मोस्टली वॉट इन ओलिगोपोली फॉर्म में प्रोडक्ट आपके क्या होते हैं डिफ्रेंशिएटेड होते हैं प्राइज रिजिडिटी इन द ओलीगोपोली मार्केट प्राइज रिजिडिटी इन द ओलिगोपोली मार्केट लीड्स टू द प्राइज लीडरशिप एम्स एट एंड हायर रेट ऑफ अ डिस्काउंट सो हायर रेट ऑफ अ डिस्काउंट आपका हो गया नॉन प्राइज कॉम्पिटिशन प्राइज लीडरशिप एट एज अवॉइड प्राइजिंग वॉर और ये हो गया आपका किंग डिमांड का सो दिस इज वॉट योर एग्जैक्टली इज द आंसर नाउ क्लास जरा जान देना देर इज अ वन केस स्टडी जो हम लोग देखेंगे द टेलीकॉम मार्केट इन इंडिया हैज़ अ फ्यू सेलर्स ऑफ अ हैंडसेट एंड दर्विज प्रो सर्विस प्रोवाइडर्स फ्यू सेलर ऑफ अ हैंडसेट एंड दे सर्विस प्रोवाइडर देर इज अन कॉम्पिटिशन बिटवीन दैम बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन है दोनों के अंदर द एंट्री ऑफ आ रिलायंस जियो हैज़ मेड द मार्केट मोर कॉम्पिटिटिव जो कि बेस्ट एग्जाम्पल आप ले ही सकते हो रिलायंस जियो के बारे में आपको पता है पहले वोडाफोन आइडिया एयरटेल डोकोमो बहुत सारे जो है टेली कम्युनिकेशन कंपनीज़ थे इसके बाद हुआ क्या आपके इसके बाद रिलायंस जियो ने मार्केट में एंटर किया जिससे कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया व्हाट इज़ द मार्केट स्ट्रक्चर ऑफ द टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री इन इंडिया तो मार्केट स्ट्रक्चर ऑफ अ टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री इन इंडिया इज ओलिगोपोली मार्केट यहाँ पे कौन सा मार्केट होता है यहाँ पे है आपका ओलिगोपोली मार्केट ओलिगोपोली मार्केट क्यों क्योंकि टेलीकम्युनिकेशन सिम कार्ड बेचने वाली बहुत कम कंपनियाँ हैं हाउ मनी कंपनीज़ आर देयर आर आर सेलिंग द सिम कार्ड्स वी दैट इज वोडाफोन आइडिया जो नाउ दे आर दे बिकम द वी सेकेंड एयरटेल देन रिलायंस जियो एंड बी एस एन एल ऑफ़ द गवर्नमेंट सिर्फ इतनी ही कंपनियाँ हैं जो सिम कार्ड सेल करती हैं तो उनके मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से ओनली फ्यू सेलर्स आर देयर और जहाँ पे फ्यू सेलर्स होते हैं वो होता है आपका ओलिगोपोली वॉट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ द प्राइज वॉर इन दिस मार्केट वॉट इज़ द पॉसिबिलिटी ऑफ द प्राइज़ वॉर देखो प्राइज वॉर की पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ पे सिर्फ कॉम्पिटिशन है तो यहाँ पर दो चांसेज है आइदर दे कैन फ्राम द कॉलेजिव और दे द नॉन अगर कॉलेजियो होता है तो आपस में वो डिसाइड करके एक फ़िक्स प्राइस क्या कर सकते हैं चार्ज कर सकते हैं या फिर आपस में क्या कर सकते हैं प्राइस वॉर कर सकते हैं जैसे प्रैक्टिकली आप अगर देखोगे जब रिलायंस जियो मार्केट में आया था तो रियल रिलायंस जियो ने स्टार्टिंग के कुछ ईयर्स या कुछ मंथ्स तक जो है अप्रॉक्सीमेटली फ्री डेटा फ्री अनलिमिटेड कॉल्स ये सब ऑफर किए थे उससे हुआ क्या था उससे जो अदर कंपनीज़ को काफ़ी लॉसेस हुए थे दैन जियो है स्टार्टेड आज के जियो है स्टार्टेड चार्जिंग द प्राइजेस फॉर देयर सर्विसेज आर द प्रोडक्ट्स होमोजीनियस और डिफरेंशियटेड देखो यहाँ पर ना डिफरेंशियटेड प्रोडक्ट्स नहीं हैं डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स यहाँ पर नहीं है यहाँ पर आपके प्रोडक्ट क्या है होमोजीनियस है होमोजीनियस क्यों क्योंकि सेम का सर्विसेज आपको हर कंपनीस <laughs> क्या कर रही हैं प्रोवाइड कर लिए प्रोवाइड उनके क्या होते हैं आजकल बहुत सारे ऑफर्स होते हैं ऑफर्स मतलब आपको वन पॉइंट फोर फाइव जी बी पर डे आपको रिलायंस वाले भी रिलायंस जियो भी देगा वोडाफोन भी देगा